प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेज। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को निम्न प्रकार से समझेंगे। ध्यान दें, SC एंड HC, SC अगर लिखा हुआ मिले आपको तो सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको दोबारा देखें, ध्यान रहे, गौर करें इस पर। मैंने बताया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, कई बार ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो वहाँ पर अगर राज्यपाल ऑप्शन दे रखा है तो राज्यपाल ठीक कर दिया जाता है, जो गलत होगा। यहाँ पर फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ध्यान दें इसको, कि हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, दोनों के ही जजों की नियुक्ति जो की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए, शुरुआत में ये जो व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह महसूस किया कि नियुक्ति के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका मात्र सलाहकार की है, यानी कि मुख्य भूमिका में नहीं है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के मामले में केवल सलाहकार की भूमिका में है, और ये महसूस किया सर्वोच्च न्यायालय बाद में। तो इसके बाद क्या व्यवस्था होती है वो देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम। इस व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, ध्यान रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, कुल मिलाकर 5 हो गए हैं यहाँ पर, और ये अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, विचार विमर्श के बाद, यानी कि ये जो 5 न्यायाधीश हो गए मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इनकी जो मंडली है, देखिए अंग्रेजी में ये कॉलेजियम बोलेंगे इसको और हिंदी में मंडली बोल सकते हैं, मंडली व्यवस्था। तो ये जो मंडली है या कॉलेजियम है, ये 5 न्यायाधीशों का, ये विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श करने के बाद जो नाम सुझाए जाएंगे, सुझाए गए नामों में से ही राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी। ये देखिए अनिवार्य होगा, यहाँ पर नियुक्ति करनी होगी, अर्थात यहाँ पर खाली सलाह नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के जजों की, या सुप्रीम कोर्ट की कोई सलाह नहीं है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह नहीं है यहाँ पर। देखिए, सरकार या कार्यपालिका इस प्रकार से नियुक्ति करने के लिए बाध्य होगी, करना ही पड़ेगा। जैसे कि 10 न्यायाधीशों का नाम सुझाया गया और 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो उन 10 में से ही 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी, 10 से बाहर नियुक्ति नहीं होगी। इसे ही कॉलेजियम व्यवस्था या मंडली व्यवस्था कहते हैं, ध्यान रहे। तो आपका सवाल यहाँ पर बनता है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो इस बात को सही तरीके से समझ लें। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक मंडली होती है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित सलाह देती है। इस व्यवस्था में ये बात साफ हो जाती है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर ध्यान रहे,
देखिए सर्वोच्च न्यायालय नाम सुझाएगा और नियुक्ति में जो बाद में सिफारिश की जाएगी वो मंत्रिपरिषद के द्वारा और आखिर में निर्णय लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति उसी पर मोहर लगाएगा जहाँ पर मंत्रिपरिषद निर्णय लेगी, ये आपको पहले से विदित है, पहले से जानकारी है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनजेएसी को निरस्त करना या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई प्रणाली को निरस्त करना या असंवैधानिक करार देना, ये देखिए मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। धन्यवाद।